हीरो से बने लेखक, आखिर किसकी रीमेक थी गजनी? रीमेक्स भी इतिहास रचती हैं। क्या गजनी फ्रेंचाइजी पर सीक्वल ही बनाएंगे या कोई नई कहानी भी देखने को मिलेगी? कहानी का प्लॉट और उसके किरदार ही वो दो बातें होती हैं जो लोगों को मजबूर कर देती है लोगों को कहानियां याद रखने में सालों साल तक। और बॉलीवुड ने माशा अल्लाह समय समय पर हमें ऐसे कहानियां दी हैं जो शायद पूरा इतिहास याद रखेगा जी। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही मूवी के बारे में बात करेंगे जो यूं तो अगर रिलीज डेट से देखा जाए तो इतनी पुरानी हुई नहीं है, पर फिर भी इतना समय तो हो गया है। अगर उसमें कोई बात नहीं होती तो हम उसे याद नहीं रख पाते। बहुत हो गया सस्पेंस, अब मैं आपको नाम बता ही देती हूँ जी। तो हम बात कर रहे हैं गजनी की। 2008 में रिलीज हुई ये मूवी ने वाकई एक ऐसा इतिहास रचा था कि बिल्कुल मिसाल ही कायम करके रख दी थी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात तो यह है कि गजनी एक्चुअली एक साउथ इंडियन तमिल मूवी जिसका नाम गजनी ही था से ही लिया गया है। और उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग यह है कि एक ही डायरेक्टर यानी मुर्गा दोस्त ने ही दोनों मूवीज डायरेक्ट की है, यानी उन्होंने अपनी ही तमिल मूवी का हिंदी रीमेक बना डाला। और ये भी पता चला है कि आमिर को रीमेक का क्लाइमैक्स सेम रखा जाना पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्लाइमैक्स खुद ही लिखा था। वहीं अगर मैं बात करूं गजनी के प्लॉट की तो ये धांसू कहानी थी जिसमें दांतों तले उंगली चबा देने वाली थ्रिल और सस्पेंस था। बीमार पागल हीरो आखिर कैसे लेगा बदला? कुछ ऐसा है कि हीरो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है और वो उसे हो जाता है प्यार एक स्ट्रगलिंग मॉडल से, और वो उसे प्यार से जीना सिखाता है, हर मोमेंट को थामना समझता है। और यही से हमें आमिर और आसिन के बेहद प्यार रोमांस देखने को मिलता है। वहीं इसी के साथ फैंस के जहन में फिर से आ रही है, क्या आमिर और आसिन का रोमांस फिर से उन्हें देखने को मिल सकता है? और अगर फिर ये जोड़ी देखने को मिली तो आखिर किस नई कहानी के साथ? और क्या अगर कहानी नहीं होगी तो डायरेक्टर्स क्या नए एक्टर्स भी लाएंगे? वैसे अगर कोई सर्वे कराए तो मुझे पता है कि सब अपने डोले शोले वाले आमिर को ही दोबारा देखना पसंद करेंगे, है ना? पर आजकल के एक्टर्स को कम आंकना ये गलती मत करना। और नए एक्टर्स अगर फ्लोर पर उतरेंगे तो कुछ नयापन भी होगा मूवी में, जैसे कि रणबीर को ले लीजिए या शाहिद, गजब हो जाएगा। हमें पता है आप एक्साइटमेंट के बादलों के ऊपर है इस मूवी को लेकर। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन हीरो हीरोइन को देखना चाहते हैं आप।